हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों दोस्त, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चनों के बारे में। कुल 20 क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, AGG जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतियों ने किस स्थान पर पराजित किया, किस स्थान पर किया? चैलावास। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर है ब्यावर, अजमेर। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है, हर्षनाथ मंदिर स्थित है, हर्षनाथ मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित है, और हर्ष की पहाड़ियाँ जो है वो है सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेवा टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित है? मेवा टेक्सटाइल्स मिल्स भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है, मुख्य सचिव की सेवा अवधि मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय की एकीकृत स्वरूप शुभारंभ हुआ। राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय की एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ हुआ 1949 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? राजस्थान की प्रथम लोक अदालत है वह कोटा में लगाई गई थी, कोटा जिले के अंदर लगाई गई थी। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। किस में बांटा गया है? तहसीलों में, न कि जिलों में, संभागों में। इन्हें तहसीलों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है। शहरों में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है शहरी निकाय। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? किस कस्बे में? नसीराबाद में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है? राजस्थान का सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चूरू। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर है। यह है राजस्थान का क्षेत्रफल। अगला है, मोहनोथनेणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, मोहनोथनेणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है मोहनोथनेणसी ख्यात। ये मोहनोथनेणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, उडन गैलरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है? उडन गैलरी होती है उसके लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सीता माता का अभयारण्य है वह उडन गैलरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी जो मांड गायिका है वह बीकानेर से संबंधित नहीं है? बन्नो बेगम है, ये बीकानेर से संबंधित नहीं है, और ये जो सभी है ये बीकानेर से संबंधित है, और जबकि ये जो है बन्नो बेगम ये बीकानेर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है मारवाड़ी। सोरठा छंद और मांड राग ये जो है जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह बोली है मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार का आराध्य देवी है? किस राज परिवार की आराध्य देवी है? किसकी? कछवाहा है की आराध्य देवी है। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है यह कहलाता है, क्या कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र
कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल नाम से जाना जाता है। और ये आज के हमारे कुल टोटल 20 क्वेश्चन थे। आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, बाकी की बातें करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आप लगातार हमारे YouTube के वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। बाकी की बातें अगले वीडियो में करेंगे।